टेक्निकल सिविल की कंस्ट्रक्शन साइट सुपरविजन के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सेफ और स्वस्थ होंगे। इस सीरीज के पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन सी तरह की डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं, चाहे वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हो, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स वगैरह वगैरह हमने देखे थे। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की बात करेंगे। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कौन कौन सी होती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के तौर पर हमने देखा था उसके अंदर कि आर्किटेक्चरल में फ्लोर प्लान्स होते हैं, एलिवेशन होता है, सेक्शन होता है, डायमेंशन प्लान, वर्किंग प्लान, फर्नीचर वगैरह सब कुछ, ये साइट प्लान वगैरह सारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आते हैं। तो आज हम उन्हीं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो सीरीज का नहीं देखा आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी टाइप की आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, चलिए उन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को हम यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोर प्लान्स का क्या मतलब होता है। बहुत ही बेसिक है, मतलब ये मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा, लेकिन दोबारा एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्लोर प्लान्स जो है होते क्या है। बेसिकली आपके सामने यहां पर कुछ इमेजेस या कुछ फ्लोर प्लान्स आप देख सकते हो। ये फ्लोर प्लान है। इन फ्लोर प्लान का मतलब क्या होता है बेसिकली कि भाई आपके पास एक प्लॉट है, एक फ्लोर है, उसके ऊपर आपके रूम की प्लानिंग करते हो आप जब, कि भाई कौन सा रूम कहां पर आएगा, किस ओरिएंटेशन पे होगा, उसका एक्सेस कैसा होगा, उसकी ओपनिंग कैसी होगी, बाथरूम कहां पर होगा, लिविंग रूम कहां पर होगा, किचन रूम कहां पर होगा, बेडरूम कहां पर होगा, ये जो सारी चीजों का लोकेशन जब तय किया जाता है और बाद में जो प्लान बनता है उसको हम फ्लोर प्लान कहते हैं। अब फ्लोर प्लान बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, यानी अपनी अपनी क्रिएटिविटी उसमें यूज करते हैं अपने अपने लोग, उनके जो माइंड के आइडियाज होते हैं, जो डेकोरेशन करने के आइडियाज या क्रिएटिविटी होती है सबके अलग अलग होते हैं, तरह तरह के होते हैं। अभी आप देखिए आपके सामने ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लोर प्लान, जरा मेरे कर्सर को या माउस को फॉलो कीजिएगा। तो ये आपको फ्लोर प्लान दिख रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बता रखा है ड्राइंग रूम वगैरह, उसका लोकेशन, ग्रीनरी बता रखी है आपको कुछ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपको नोटेट कर रखा है सब कुछ। उसके साइड में आप दूसरा प्लान देख सकते हो, यहाँ पर आपको गाड़ी बता रखी है, यहाँ पर आपको लॉन्ज या किचन, बेडरूम वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे एक और फ्लोर प्लान है। इस फ्लोर प्लान के अंदर भी आपको यहाँ पर दे रखा होता है कि भाई कौन सा रूम कहाँ पर है, सामने एक वाइड रोड है, उसके बाद एंट्रेंस गेट है, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक गाड़ी का इमेज भी बता रखा है, पार्किंग का साइज आपको दे रखा है, ड्रॉइंग रूम है, जनरल जो बेडरूम है आपका वो है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेट रूम आपको बता रखा है, ग्रेट बेडरूम बेसिकली होगा, ठीक है, यानी मास्टर बेडरूम वगैरह। अच्छा, जितने लोग अभी इसको देख रहे हैं जरा मुझे बताइए अगर आपको पता है कि एक नॉर्मल जो बेडरूम होता है वो और एक मास्टर बेडरूम के अंदर क्या फर्क होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, इस बात को चेक करते हैं किसको कितना पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का ये फ्लोर प्लानिंग होती है। बेसिकली प्लानिंग के अंदर कुछ नहीं होता, बस आपके रूम की लोकेशन, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है उसकी लोकेशन तय की जाती है और वो जो प्लान होता है आपका फ्लोर प्लान कहलाता है। ठीक है, ये डाइनिंग रूम है, किचन रूम है, पूजा रूम वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको इस फ्लोर प्लान के अंदर देखने को मिल सकता है। ये उसका अपर फ्लोर है, तो आप इसके अंदर भी मास्टर बेडरूम देख सकते हो, यहाँ पर फैमिली रूम देख सकते हो, ये बाथ है, ये स्टेयरकेस वगैरह है, ये सिट आउट एरिया है, ये कॉमन बेडरूम है। तो इस तरह का आप जो है यहाँ पर ये एक फ्लोर प्लान देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ग्रीनरी वगैरह काफी दिल से सजा रखी है इन्होंने, हालांकि इस तरह के बहुत कम लोग करते हैं, लोग मतलब कम ज्यादा हम नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर, उनके काम के ऊपर। ये ड्राफ्टमैन जो होते हैं, ये प्लानर जो होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, तो वो अपने हिसाब से इसमें उसको डेकोरेट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा डेकोरेशन के चक्कर में आपको इतना भी नहीं पड़ जाना है कि डेकोरेट करते करते आपने उस प्लान को इतना कंजेस्टेड बना दिया कि उसके जो मेन एरिया होते हैं, जो मेन चीजें होती है वही दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, डेकोरेशन भी माप में या लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेकोरेशन भी नहीं होना चाहिए, और हो सके तो सिंपल सोबर प्लान होना चाहिए आपका। अब वहीं पर साइड पर आप देख सकते हो ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग का प्लान है। ठीक है, आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग काफी सारी देखी होगी, मामलतदार ऑफिस, तहसील ऑफिस वगैरह वगैरह आपने देखी होगी। ठीक है, नगर निगम वगैरह, तो उस तरह की ये कोई बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सोबर प्लानिंग है, इसमें ना कोई ग्रीनरी है, ना कोई बैकग्राउंड में इस तरह का कोई डार्क कलर या लाइट कलर वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं कर रखा है। बस यहाँ पर वॉल्स है, कलर्स है छोटे मोटे, और उसके अंदर यहाँ पर आपको लोकेशन बता रखे हैं कि भाई कौन सा रूम कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह की भी प्लानिंग होती है। अगर मैं आपको इसी तरह का एक एग्जांपल और बताऊं तो आप ये देखिए अपार्टमेंट है,
इस अपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हो नॉर्मल सी प्लानिंग कर रखी है, इसको भी एक फ्लोर प्लान के टाइप हम ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो अभी आप देख सकते हो पैम्पलेट वगैरह छपते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वहां पर इतने सिंपल और सोबर प्लान ज्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते। वहां पर जो ऐसे सजावटी प्लान जो होते हैं ना, जिस तरह से आप ये देख रहे हो, आपको वो ज्यादा देखने को मिलेगी और वो ज्यादा प्रीफरेबल होते हैं ताकि वो क्लाइंट की नजरों को खींचे, अट्रैक्शन अपना वहां पर बना रखे, तो वो एक अलग होता है, उसका एक रीजन अलग होता है, ठीक है। तो उस रीजन से आप यहां पर देख सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसको देखने वाला बंदा होगा, अगर वो सिविल इंजीनियर नहीं भी है तो भी उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहां पर कौन से रूम की लोकेशन क्या है, कितने बाय कितने का है और वो पूरा अरेंजमेंट कैसे किया गया है, ठीक है। तो इसका आपको बेसिक ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, उसको प्लान करना है, उसको ड्राफ्ट करना है। तो ये तो था हमारा प्लानिंग का मतलब कि भाई फ्लोर प्लान का मतलब क्या होता है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो ये फ्लोर प्लान के अंदर आपको बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, बस आपको क्या दे रखा होता है उसके अंदर कि भाई कौन सा रूम कहां पर है, उसका साइज कितना है और वो पूरा फ्लोर जो है किस तरह से प्लान किया गया है, उसका स्टेयरकेस वगैरह कहां पर है, उसका बैकयार्ड कैसा है, उसका पार्किंग कैसा है, उसका जो रूम लोकेशन है बेडरूम किचन वो कैसा है, बस आपको यही डिटेल दे रखी है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको इसमें समझने की या टाइम देने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये तो सिंपल चीज है, सबको इसमें ओवरऑल समझ में आता होगा कि फ्लोर प्लान का क्या मतलब है। अब अगली जो ड्राइंग आर्किटेक्चर देता है या आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर आती है वो होती है एलिवेशन ड्राइंग। अब जब भी हम एलिवेशन ड्राइंग की बात करते हैं तो एलिवेशन के अंदर बहुत लोगों के मन में पहले तो आता होगा कि इस तरह का कोई एलिवेशन होता होगा, ठीक है। तो ये भी एलिवेशन में ही आता है, लेकिन ये 3D एलिवेशन होता है। इसमें आप देख सकते हो सारी चीजें 3D में है, 3D मॉडलिंग वगैरह आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, है ना, 3ds मैक्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम करते हैं 3D मॉडलिंग एरेविट वगैरह का। तो वो 3D मॉडल, तो उस मॉडल के द्वारा जो यहां पर एक 3D एलिवेशन जनरेट होता है उसको हम 3D एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल हमारे साइट वर्क के लिए या एक अंदाजे के लिए हम जो एलिवेशन यूज करते हैं वो 3D एलिवेशन अगर यूज करें तो अच्छा है, लेकिन जो नॉर्मल आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह के एलिवेशन होते हैं। आप जरा इसको देखिएगा, आप ये एक 2D एलिवेशन है बेसिकली, ठीक है, इसको हम 2D एलिवेशन कहेंगे। और ये फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन जो है ये आपका जो फ्लोर प्लान है इसी को ध्यान में रखते हुए आपका फ्रंट एलिवेशन बनता है, ठीक है। ये उसका ग्राउंड फ्लोर था और ये उसका फर्स्ट फ्लोर है, तो इन दोनों को मिलाकर यहां पर देखिए एक फ्रंट एलिवेशन बनाया गया है। अब इस फ्रंट एलिवेशन के अंदर आपको ध्यान दीजिएगा, ये एक साइट सुपरवाइजर के तौर पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास ये जब ड्राइंग आती है, जब आपको इसको जब आप देखते हो तो आपको ये देखना होता है कि जो एक्सटीरियर होते हैं एलिवेशन के अंदर, जो एक्सटीरियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसके, यानी जो ये आपको ये विंडो दिख रही है, तो इस विंडो का फ्रेम, इस विंडो का साइड में एलिवेशन, बैक एलिवेशन जो होता है वो, ठीक है, उस तरह से दूसरे जो कलर वगैरह है या जो हैच वगैरह मारे हुए यहां पर, ठीक है, तो इनका जो साइज है, इनका जो लोकेशन है, इनका जो डिस्टेंस है, डायमेंशंस है, ये आपको यहां समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ साइट सुपरवाइजर, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड में आ जाए कि काम जो चल रहा है वो इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर आपका जब फिनिशिंग वर्क होता है, एक्सटीरियर काम जब आपका चलता है, तो ये आपको रेफरेंस के तौर पर काम आता है कि भाई आपको जो है कहां से खांचा मारना था, कितने का खांचा मारना था, वहां पर वो कलर कौन सा, मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन से खांचे का डायमेंशन कितना है ना, ये ब्रैकेट जो आपको यहां पर दे रखे हैं उनके डायमेंशंस यहां पर आपको क्लियरली बता रखे होते हैं। और एज अ साइट सुपरवाइजर आपको यही सारी चीजें इसके अंदर देखनी होती है 2D एलिवेशन के अंदर, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, देखिए ये बॉटम से ऊपर गया, ये 0.94, ये मीटर में है सारी ड्रॉइंग्स, ठीक है, तो मीटर में यहां पर आपको देख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा खांचा यहां पर है, उसका डायमेंशन भी आपको दे रखा है 0.03। तो जब आप स्लैब या इसकी जो फिनिशिंग वर्क करते हो तो ये सारा जो पैटर्न है आपको वहां पर प्रोवाइड करना होगा और उसके डायमेंशन आपको इसमें दे रखे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। उसके बाद उसके ऊपर एक और वहां पर खांचा है, ये आपको 0.6 का है। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी एक्सटीरियर चीजें हैं ये एलिवेशन के अंदर 2D एलिवेशन में विद डायमेंशन आपको बता दी जाती है कि भाई ये कितने बाय कितने का। ये विंडो फ्रेम आप देख सकते हो, तो यहां पर ये 1.52 का पूरा विंडो है फ्रेम यहां पर, ठीक है, फ्रेम के साथ। उसके साथ साथ ये जो बीच में गैप है, जो उसका एक्सटीरियर जो बैकग्राउंड एलिवेशन है उसका, वो 0.15 का है चारों तरफ से, 1.5। तो इस तरह से आप यहां पर इसको समझ सकते हो, ओके। वैसे इसमें और बहुत कई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में कि आपको समझने में घंटों लग जाए, बहुत सिंपल सी चीज है, एक नजर मारोगे एज अ सिविल इंजीनियर तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इसमें आखिर दिया क्या है और आपको कैसे करवाना है काम वहां पर, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट फ्लोर का, ये सॉरी ग्राउंड फ्लोर का प्लान था और ये उसका फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन है। इस एलिवेशन देखो, ग्राउंड फ्लोर है, ये पोर्च का एरिया है पूरा, तो यहां पर आप देख सकते हो ये कॉलम का पूरा एक साइड है, तो कॉलम आपको दे रखा है कितने बाय कितने का, ये देखिए कॉलम है 0.23 का, ठीक है, इधर से भी कॉलम है 0.23 का। उसके साथ साथ यहां पर देखिए ये ऊपर जब चलते हैं हम,
तो पहला आपको फुट मिलेगा, ठीक है, ये चबूतरा हम उसको कह सकते हैं जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में पहले लगाया जाता है, पोर्च में लगाया जाता है, ठीक है, तो वो 0.3 हाइट का है। उसके बाद फिर तीन स्टेप आपको दे रखे हैं, तो उसका आपको डायमेंशन दे रखा है, तो बहुत बारीकी से जो है एलिवेशन के अंदर ये सारी चीजें दे रखी थी। और साइड रेल जो आपको दे रखी है, देखिए ये साइड रेल है, तो इसके भी चीजें भी आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, इसका डायमेंशन भी आपको आगे पता चलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको एलिवेशन के अंदर बताई जाती है, और एलिवेशन यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इंटीरियर जो इंटरनल डायमेंशन है वो तो आपको पता चल जाते हैं इंटरनल के अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक्सटर्नल जब चीज आती है, एक्सटर्नल जो उसका एक्सटीरियर की बात आती है, तो एक्सटीरियर के अंदर भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, उसका फ्रेम कैसा होगा, विंडो का, डोर का, या फिर आपके जो कुछ ऐसे एडिशनल मार्क वगैरह है जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये खांचे हैं, तो उसका कुछ अगर स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर बता दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली काम करना होगा। तो ये सारी चीज आपको इस 2D एलिवेशन के द्वारा पता चलते हैं और समझ में आते हैं, जो आपको आर्किटेक्चर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एज अ साइट सुपरवाइजर ये आपको समझना बेहद जरूरी होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आप यहां पर ये विंडो देख सकते हो, उसकी विंडो की फ्रेम आपको हूबहू इसी तरह से वहां पर फिट करवानी होती है, इसी तरह से विंडो का आपको ये बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का वो बनवाना होता है, तो वो सारी चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी होती है। ये देखिए ऊपर जो बालकनी है, उस बालकनी की आप यहां पर देख सकते हो कैसे आपको करना है, उसकी हाइट क्या है, उसका ग्लास का वगैरह का जो कामकाज कर रखा है वो कैसे है, तो वो डायमेंशन के साथ आपको यहां पर एलिवेशन में बता दिया जाता है, ठीक है। ये आपको इस 2D एलिवेशन के साथ में जो है समझ में आता है, ओके। चलिए ये मैं मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रंट एलिवेशन में समझ में आ गया होगा। उस तरह से जो है आपका दूसरा यहां पर राइट एलिवेशन। अब देखिए एक बिल्डिंग है, उसके चार एलिवेशन, चार साइड होती है ना, चार फेस होती है उसके, तो चार एलिवेशन देखना अच्छा है, वरना अगर आप दोनों में से मतलब कोई दो, चारों में से कोई दो एलिवेशन देख ले तो भी ठीक है, लेकिन अगर चार में से कुछ में अलग अलग है, चार एक तीन एक एक जैसे हैं, एक अलग है, तो फिर चारों एलिवेशन देखना आपके लिए जरूरी होता है। तो आर्किटेक्चर से आप मांग कर सकते हो, आपके आप अगर एक साइट सुपरवाइजर हो तो आप अपने साइट इंजीनियर से कहो कि मुझे इसका साइट उसके जो साइड एलिवेशन है वो जरा बता दीजिए, उसकी ड्रॉइंग मुझे दे दीजिए, तो आपको वो अवेलेबल करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये उसका साइड एलिवेशन है, उसके साथ साथ आप दूसरा एक और, ये उसका बैक एलिवेशन है ना, बैक साइड एलिवेशन है, ये बैक फेस है बिल्डिंग का, तो ये उसका बैक फेस एलिवेशन है, तो आपको आइडिया आता है कि भाई बैक में इसका दिखावा कैसा रहेगा बाहर का, वो आपको आइडिया आता है उसका एज अ साइट सुपरवाइजर, ये आपको पता होना भी चाहिए और ये अच्छी चीज होती है जानना इसको, ठीक है। ये उसका लेफ्ट साइड का व्यू है, लेफ्ट एलिवेशन है, ये आप यहां पर देख सकते हो। तो इस तरह से जो है ये एलिवेशन का मामला होता है, ठीक है, और एलिवेशन समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ओके। ये इसमें भी एक दूसरा देखिए, ये एलिवेशन है जिसके अंदर अगेन आपको बताया जाता है कि भाई आपका एक्सटीरियर बिल्डिंग का कैसा देखिएगा बनने के बाद, तो उस एक्सटीरियर के मुताबिक भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया, आपके विजन आपके माइंड में क्लियर होता है कि ये ओवरऑल कैसा होने जा रहा है और हमें क्या करना होगा, और कहीं गलती होती है तो आप उसको बचा सकते हो। तो दिस इज द मेन रीजन और मेन एम ऑफ प्रोवाइडिंग द एलिवेशन, 2D एलिवेशन स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर 3D मिल जाता है तो फिर वो सोने पे सुहागा है, आपको उसमें और भी विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो 3D एलिवेशन आपके सामने आ ही जाता है, तो फिर आपको वह एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है, तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास 3D एलिवेशन इस तरह का मौजूद नहीं है, हालांकि अक्सर आज तो अवेलेबल हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो 2D एलिवेशन के मुताबिक आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम करवाना है एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो हमने देख लिया फ्लोर प्लान का और ये एलिवेशन का। अब बात करते हैं तीसरी तरह की ड्रॉइंग, वो है आपके सेक्शन की। ये सेक्शन की जो ड्रॉइंग होती है ये भी आर्किटेक्चर ही प्रोवाइड करता है, और सेक्शन ड्रॉइंग रीड करना, उसको समझना साइट सुपरविजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अब ये आपके सामने एक हमारे वही बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसका सेक्शन कट किया है। अब सेक्शन कट किया मतलब क्या, ये आप देख सकते हो यहां पर ये जो रेड लाइन है ये सेक्शन लाइन होती है, ठीक है। अब ये रेड लाइन जो बता रखी है वहां से सेक्शन को कट कर रखा है, ओके। अब सेक्शन को कट करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और कहां से कट किया जाए, कैसे कट किया जाए, ध्यान रखिएगा हमेशा सेक्शन को ऐसी जगह से कट किया जाता है जहां पर ओपनिंग वगैरह ज्यादा हो, ज्यादा कट हो रही हो, और वहां से स्टेयरकेस भी कट हो जाती हो, तो इस तरह से सेक्शन को कट किया जाता है। हालांकि इसमें नहीं किया गया है, आपको मैं एक और सेक्शन बताता हूं इस तरह का। ये देखिए ये हमारा सेक्शन है, आप यहां पर देखिए ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ए, ठीक है, सेक्शन लाइन आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन में चाहता हूं स्ट्रेट लाइन यहां से आ सकती थी, लेकिन इसको इस तरह से काटा गया है कि भाई मैक्सिमम चीजें वहां पर कवर हो जाए, मैक्सिमम चीजें कट हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहां पर, आइए तो ये सेक्शन आप देख सकते हो, यहां पर भी आपको बहुत क्लियरली अंदाजा आ जाता है कि भाई आपको बिल्डिंग से, बिल्डिंग को कहीं बीच में से कट कर रहे हो आप, तो बिल्डिंग का बीच का हिस्सा कटे हुआ हिस्सा कैसा दिखेगा, उसके डायमेंशन कैसे दिखेंगे, है ना, उसका सेक्शन कैसा दिखेगा, ये आपको आइडिया आता है एज अ साइट
क्लाइंट सुपरवाइजर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये आप अगेन यहां पर इसका सेक्शन देख सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डायमेंशन दे रखे होते हैं कि भाई ये डायमेंशन बॉटम टू टॉप कितने कैसे हो गए, वो आपको यहां पर एक अच्छा विजन देते हैं कि भाई डायमेंशन वाइज हमें कैसे काम करना है। सेक्शन अगर कोई बन रहा है या कोई वहां पर कोई कास्टिंग हो रही है किसी चीज की, बीम की कास्टिंग हो रही है, कॉलम की कास्टिंग हो रही है, या फिर वहां पर मेसनरी वर्क हो रहा है, या फिर स्लैब की कास्टिंग हो रही है, तो वो सेक्शन भी आपको वहां पर मददगार साबित होता है। उसके डायमेंशन आपको समझ में आते हैं, अल्टीमेटली आपका वर्क वहां पर स्मूथली चलता है विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो ये क्लियर होता है सेक्शन को देखकर। ठीक है, तो ये सेक्शन होता है इस तरह से। उम्मीद है आपको सेक्शन की ड्रॉइंग भी समझ में आ गई होगी। अब तक हमने क्या देखा, हमने फ्लोर प्लान देखा, हमने एलिवेशन देखा और हमने सेक्शन देखा। अब इसी सीरीज का अगला वीडियो होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स पर ही होगा, लेकिन उस ड्राइंग के अंदर हम बाकी जो ड्राइंग्स है, जैसे कि वर्किंग ड्राइंग्स उसमें होती है, जो भी सेंटर लाइन ड्राइंग है, या फिर प्लंबिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, फर्नीचर ड्राइंग है, या फिर साइट लेआउट है, की प्लान है वगैरह, ये जो ड्राइंग्स है ये आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। हालांकि अभी जो हमने ड्राइंग देखी बहुत ही बेसिक सी ड्राइंग है, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल और आसान ड्राइंग है। उम्मीद है आपको ये ड्राइंग समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने जिस तरह से चीज आपको एक्सप्लेन की है वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हो, यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखिए और जुड़िए टेक्निकल सिविल के साथ। धन्यवाद।